तीसरा ब्लॉक पड़ता है जहाँ पे भोलों का भंडारा चल रहा है। आज हम बात करते हैं जो यहाँ पे भोले आए हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम? कीर्ति। कीर्ति, आप जो कामर आपने उठाया आप कहाँ से लेके चली हो? गढ़ से। अच्छा, बिरज घाट से? बिरज घाट से। अच्छा, और आप कई दिन में यहाँ पाए? हम एक दिन में आ पाए, हमने 8:30 बजे उठाया था रात को जल, और अब यहाँ पर रुके हुए हैं। हम रुक रुक के आए थे, यानी एक दिन में पहुँच जाते हैं वहाँ से पैदल। जब आप वहाँ से यानी कि सुबह आ गए आप यहाँ, तो जल किस टाइम चढ़ेगा आज? ये 27 को चढ़ेगा। हम तो आगे के, हम मुंडाली के हैं। अच्छा, हम मुंडाली के हो। आप कहाँ से कामर उठाया आपने? ब्रिज घाट से। आपने ब्रिज घाट से उठा, कब उठा? कल उठाया था। अच्छा, यहाँ पे किस टाइम आए आप? हम यहाँ पे आ गए थे 2 बजे। अच्छा, दोपहर 2 बजे। जी जी। आप कहाँ से हो? मुंडाली गांव से। आप भी मुंडाली से? जी जी। तो जैसे 2 साल बाद कोरोना चल रहा था, उसके बाद 2 साल बाद अभी लॉकडाउन के बाद कामर ले गए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जो इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उन्हें कैसा लगा? जो उन्होंने फूलों की शुरुआत करी थी हरिद्वार में हेलीकॉप्टर से, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, आप भी कुछ कहो। बम बोलेगी, बम बोलेगी। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अभी फूलों की बरसात करी थी यहाँ पर हरिद्वार में, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? वो बहुत अच्छा करा है योगी जी ने, कराया वो बहुत अच्छा करा है, सब बहुत ही ज्यादा खुश थे, बहुत ही अच्छा था। अच्छा, उन्होंने मेरठ तिलक में कराया और हमारे क्षेत्र में भी काफी करा, तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? सब बहुत खुश है और बोलो, सब बहुत ज्यादा खुश और बोल रहे हैं कि सब भक्त आराम से आ रहे हैं, कोई वो नहीं। अभी हमने भोलो से बात करी है माचरा ब्लॉक में, इन्होंने का कहना यह है गढ़ से कामर इन्होंने रात 8:30 बजे उठाया, ये 2 बजे तक यहाँ पर आके लगे हैं, और उसके बाद ये गांव मुंडाली के हैं, 7:00-7:00 बजे जैसे जल चढ़ेगा। और इसी बात पे मैं जाहिद अली, राजेश कैमरामैन राजेश कुमार के साथ माचरा।